नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के दूध उत्पादकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के दिशा निर्देश के बाद संघ के दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए जाने के निर्देश दूध प्रशासन को दिए गए हैं। बता दें, संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी तक वर्तमान समय में 43 रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादकों को दूध मूल्य पर दिया जा रहा था, लेकिन अब ये बढ़कर 45 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निर्देश दिए थे कि वर्तमान में बढ़ते हुए दुग्ध मूल्य लागत को देखते हुए कल से यानी 17 अप्रैल से प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए जाने की सहमति दी गई है। वहीं बता दें, मार्च 2022 से अब तक 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जो दुग्ध संघ के 74 सालों के कार्यकाल में ऐतिहासिक है, जिससे किसानों को उनके दूध के लागत मूल्य की भरपाई होगी। उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध समितियों के माध्यम से लाभान्वित किए जाने के लिए दुग्ध संघ द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिले में पशु चिकित्सा सुविधा के साथ ही नियमित रूप से आकस्मिक पशु चिकित्सा, पशु रोग निवारण कैंप, संक्रमक रोगों से सुरक्षा के लिए रोग प्रतिरोध टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें, NCDC योजना के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 75% और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50% में से 2 और 3 दुधारू पशु खरीद के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही पशु पोषण के लिए जरूरी चीजों के लिए प्रत्येक दुग्ध उत्पादक के खाते में सीधा भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, संस्था की बेहतर कार्य प्रणाली बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान संघ के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के 53,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन आने वाले साल के लिए 45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके लिए प्रदेश के सभी दुग्ध उत्पादकों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया गया।